हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स क्लास 10th आर एस अग्रवाल मैथ्स में एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 23 है. इफ़ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी एंड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज ग्रेटर देन बी. यानी यहाँ पर हमारा जो ये ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना, ये क्या है आपका ए प्लस बी जो है इसकी वैल्यू 0 डिग्री से क्या है फ्रेंड्स, 0 डिग्री से बड़ी है या उसके इक्वल मान सकते हैं, और 90 डिग्री से छोटी है या उसके इक्वल कह सकते हैं. जहाँ एक और आपका स्टेटमेंट दिया है कि जो आपका ए है वो ग्रेटर देन बी है. यानी आपका ये दो चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू बी से बड़ी आनी चाहिए और यहाँ पर जो है इस तरह से 0 से यह बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी. ए और बी आपको फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारा दिया क्या है फ्रेंड, साइन ए प्लस बी दिया हुआ है और इज इक्वल टू 1. तो साइन की वैल्यू कौन सी जो होती है 1 होती है. तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री. साइन से साइन आपका जो है यहाँ पर हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसे सीधा नहीं करेंगे, बस आप ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है हमारा. फिर हमारा दिया हुआ है कॉस और इसमें दिया है ए माइनस बी इज इक्वल टू 1. और कॉस 1 आपका कब होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉस 0 डिग्री. अब हम इसको क्या करेंगे, कॉस कॉस कैंसिल करके लिख देंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री. ये हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं. इक्वेशन 1 और 2 को सब्सटीट्यूट करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर ये आपका जो है ऐसे दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ए इज इक्वल टू बी कह सकते हैं और ये प्लस आपका 0 डिग्री, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है ये आपका. अब आप ये क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू आई है वो आप फर्स्ट में पुट कर लीजिए. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, ए प्लस बी है इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ए की वैल्यू बी के बराबर आ रही है यहाँ पे, इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो b इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 45 डिग्री. यानी आपका b की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री आ रही है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि b की वैल्यू आ गई है. अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन 3 ले लीजिए. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 आपका क्या है, a इज इक्वल टू b है. तो a और बी की कितनी आई है वैल्यू, 45 आई है. तो इस तरह से बी आ गया. तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ए और बी, यही तो आपको फाइंड करना था. तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन. आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.